7-1. Roman. Doctor. तो पूरा मिल रहा है। ना पीछे थोड़ा पीछे ना अच्छा मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं आज पंडित जी का बर्थडे है। क्या बात है। ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर हैं और ये हमने अलग अलग हॉस्पिटल में भेजे हैं। जैसे कल एक कंसाइनमेंट पूरा कानपुर के हॉस्पिटल में गए जहाँ के डॉक्टर तिवारी हैं और पुणे में जा रहे हैं, जम्मू जा रहे हैं, बॉम्बे के कुछ मुंबई के कुछ हॉस्पिटल में जा रहे हैं। ये अलग अलग जगहों पर हम भेज रहे हैं और हमने हर शहर से कोशिश की है कि हर शहर का कोई रिप्रेजेंटेटिव हो अनुपम खेर फाउंडेशन का, जो हमारा अनुपम जो हील इंडिया फैमिली का जो है वो चैम्पियन बन सकता, जो हमको हमारी मदद कर सकता है उन छोटे छोटे हॉस्पिटल में कि कौन सा हॉस्पिटल ज़रूरी है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको लगता है कि आप क्वालिफाइड हैं, या क्वालिफाई होने के लिए सिर्फ दिल होना चाहिए और दिल के अंदर जज्बात होने चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें, और कुछ करने का मादा होना चाहिए, तो आप हमें लिखें। हमारा एड्रेस हम बाद में डाल के देंगे, बट हमारा एड्रेस है लाइव वीडियो है। कॉन्सेंट्रेटर्स If you are ready, then I will Just film. Film me? Yeah. Okay. देख लेना अगर बंद हो, वो क्या? तो पहले कट कर देना। नहीं नहीं, वो क्या? लाइक गया। तो आप कह रहे हैं उसमें वही नहीं आया कमेंट्स? नेटवर्क की वजह से हो रहा था, बट वो लाइक गया। अच्छा, एक सेकंड सर, अब जस्ट अनुपम खेर फाउंडेशन में आपका स्वागत है और अनुपम खेर के मेरे फेसबुक पेज पर भी आपका स्वागत है। बेसिकली शामिल यू आर मेकिंग मी नर्वस। नो, इट्स नॉट गेटिंग कनेक्टेड। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर लाइव नहीं, लाइव की फीलिंग थोड़ा आएगी। वो एक मुहिम है हमारे पास, डॉक्टर राज तिवारी अमेरिका से उन लोगों ने इक्विपमेंट भेजा, भारत फोर्स इंडिया लिमिटेड ने हमारी मदद की और हमने इसमें कॉन्सनट्रेटर्स हैं, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स हैं, कुछ वेंटिलेटर्स हैं, कुछ सामान कल चला गया, कुछ और आने वाला है और ये मूवेबल वेंटिलेटर हैं। इसका टेक्निकल नाम मुझे पता नहीं है। क्या बोला था? कुछ चला गया जी, गिनना मत। कुछ जम्मू जा रहा है, कुछ और फैजाबाद जा रहा है, कुछ बॉम्बे के अलग अलग हॉस्पिटल में जा रहा है, जैसा कि मैंने बताया सुपर हॉस्पिटल, क्रिटिक केयर, संजीवनी हॉस्पिटल, सारी चीज़ें हैं। कुछ मास्क हैं, ये इसमें कुछ मशीनें हैं, मैं इनको खोलना नहीं चाहता, ये ले जाने चाहिए, मतलब सामान है। और बेसिकली कोशिश है एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री टू बी एबल टू डू समथिंग दैट हम लोग लिटरली जो एक मुहावरा था ना, सुख की सांस ले सकें, ये सुख
सांस लेने का एक प्रयास है अनुपम खेर फाउंडेशन का। आप इसके चैंपियन बन सकते हैं, आप जिस भी शहर में रह रहे हों, आप हमको एक ईमेल लिखिए projectteamindia@anupamkherfoundation.org और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलो क्या ठीक है बतू चाकू एक्स्ट्रा लार्ज नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा लार्ज मैंने ले लिया। तो बड़ा है यार, भी जो है हम ऐसी जगह बना रहे हैं जहाँ इनके ये बड़े खुश रहेंगे। ये हमने इकट्ठा किया सामान, पंडित जी मोमबत्तियाँ तो है नहीं, आप 16 साल के हो तो करिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पंडित जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाथ को दिलाओ, सैनिटाइज करके हाथ सर, मैं तो इसे उठा रहा नहीं नहीं सर, ये काम वायरल नहीं होगा, ये बात वायरल सर मैं क्या वैसे भी वायरल आया क्या बात है यार सर, यहाँ पर देखिए ना आप ही अपना अपना आप केक खुद काटेंगे और खाएंगे, आप लोग भी खा लेना दोस्तों, बड़ा ज़बरदस्त। सर सर एक बार वापस के लिए थोड़ा मिला, मैं वो ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं, बात चल रही है ओके कितने टाइम पे हाथ डाल दिया सर। सर वाह वाह बहुत बात है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कमाल ये तो हनुमान को केक लाया हो तो चलो दोस्तों खा लो, चलिए बस। हाँ पकड़ ना, मेरे को मत लेना, मेरे को छेड़ देगा। हाँ देखो ही रखना फाउंडेशन जिस तरह से लोगों की मदद करना चाह रही है, मदद कर रही है। अनुपम खेर फाउंडेशन की स्थापना 2008 में की थी, बेसिकली हमने बच्चों के जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनका साथ देने के लिए हमने इसकी फाउंडेशन की स्थापना की थी, मगर आजकल कोरोना के महामारी के चलते कोई भी काम हिंदुस्तान के जो काम आए हमारे यहाँ के नागरिकों के काम आए उसके लिए हमने प्रोजेक्ट हील इंडिया शुरू किया है। प्रोजेक्ट हील इंडिया का मकसद है कि लोगों तक हम ये मेडिकल इक्विपमेंट पहुँचाएँ। ये इक्विपमेंट हमको देने वाले थे डॉक्टर ऐश तिवारी, जो न्यूयॉर्क बहुत फेमस कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, और यहाँ पर भारत फोर्ज लिमिटेड के जो मिस्टर कल्याणी हैं उन्होंने हेल्प किया है। हमने बहुत सारे हॉस्पिटल्स आइडेंटिफाई किए हैं, उनको ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स भेज रहे हैं, हम उनको वेंटिलेटर्स भेज रहे हैं, जिस जो कि हमारी जितनी भी हमारी श्रद्धा और जितनी भी हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं। और हर सिटीज़न को ये सोचना चाहिए, सोच रहे हैं जो सोच भी रहे हैं, सोचना चाहिए नहीं सोच रहे हैं कि वो साथ वाले सिटीज़न को हेल्प करें सो दैट दे कैन ब्रीद प्रॉपरली। नेगेटिविटी फैलाने की जगह हम पॉजिटिविटी फैलाएं मदद करके, यही हमारा मकसद। पूरे देश में भारत में भी महामारी से जूझ रहे, पूरे लोग डरे हुए हैं, अपनी बहन भी ऑक्सीजन लिए लोग मरे हैं, लोग डरे हैं। देखिए वो तो यथार्थ है, वो रियलिटी है। अब उसको या तो हम उसको सोच के अपने अपने घरों में डरे हुए बैठ सकते हैं, या फिर आप जैसे इस काल में अपने काम के लिए बाहर निकले हैं, चाहे आप कैमरामैन हैं चाहे आप जर्नलिस्ट हैं, ये वैसे ही हमको भी काम से बाहर निकलना है और उन डरे हुए लोगों को उनकी मदद करने के लिए हमको उनका साथ देना है। और क्योंकि इस महामारी में किसी का तो हाथ है नहीं, ये तो पूरे वर्ल्ड में इसका बुरा हाल हुआ है, और मैंने ये बुरा हाल अमेरिका में भी देखा है और बाहर के यूरोप के मुल्कों में भी देखा है। बट अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम ऐसे लोगों की मदद करें जो जिनको हम शायद और तो कुछ नहीं दे सकते, लेकिन एक कंपैशन दे सकते हैं, एक प्यार दे सकते हैं, एक उम्मीद दे सकते हैं, और ये कुछ लोगों को इक्विपमेंट दे सकते हैं। थैंक यू।